कि फोर्स लेंथ टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट विल बी द डेंसिटी डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का हमको डायमेंशन बताना है, तो यहाँ पे डेंसिटी का जो भी डायमेंशन है, यहाँ पे एक बार बताइए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, और मास बाय वॉल्यूम मतलब एम एल माइनस थ्री, ये होता है डेंसिटी का डायमेंशन, ठीक। और यहाँ पे फोर्स के रूप में लिखना है, तो फोर्स के पावर मान लो ए, और लेंथ के पावर में मान लो बी, और टाइम के पावर में मान लो सी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग को एबीसी का मान निकालना है, और एबीसी का मान जब आ जाएगा ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि डेंसिटी एफ एल टी के रूप में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको फोर्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले समझिएगा, एम एल टी माइनस टू के पावर में क्या आ जाएगा ए, और एल के पावर में क्या आ जाएगा बी, और टी के पावर में जाएगा सी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ एम तो एक ही है, यहाँ एम के पावर में लिखेंगे ए, और एल के पावर में ए होगा और एल के पावर में बी, दोनों मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी एल के पावर में ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा टी के रूप में, टी है यहाँ पे माइनस टू ए, और यहाँ पे टी के पावर में सी है, दोनों मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा जुड़ जाएगा यहाँ पे पावर टू ए प्लस सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, बेस इसका सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसका देखिए एल एल का, तो बेस इसका सेम है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस थ्री, ए इक्वल टू यहाँ पे आया है वन, ए इक्वल टू वन आया है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री, तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर, ठीक। अच्छा टी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो टी के पावर में यहाँ पे मान लिया हम इसको जीरो लिखते हैं, तो टू ए प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा जीरो, ए का मान आया है वन, तो टू इंटू वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू आया क्या माइनस टू। तो यानी कि देखिए ए सी इक्वल टू माइनस टू आया, बी इक्वल टू माइनस फोर आया, और ए इक्वल टू वन आया। तो यानी कि मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा तुम्हारा एफ के पावर में वन, और एल के पावर में बी बोला है यानी माइनस फोर, और टी के पावर में माइनस टू। तो जो इसका ऑप्शन में आएगा, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन में एल के पावर में सॉरी यहाँ पे देखते हैं एफ के पावर में वन, एल के पावर में माइनस फोर, और टी के पावर में माइनस टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू।